विधि छात्रों ने बलात्कार की सजा के प्रावधानों को लेकर और कठोर कानून बनाने सहित कानून में संशोधन कर अध्यादेश जारी करने की मांग की है, जिसके चलते जबलपुर संभागायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधि छात्र अंकुश चौधरी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनको सशक्त बनाने के लिए देश में बलात्कार को रोकना होगा, लेकिन इस तरह की घटना यदि घटित हो रही है तो देश की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल भी खड़ा होता है। वर्तमान हालात को देखते हुए भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की सजा को और कठोर बनाने व अपराध के बाद एक निश्चित समय के अंदर दोषियों को सजा मिलने का प्रावधान देश में अब लाने की अति आवश्यकता है, जिससे अपराधियों के अंदर सजा का इतना भय उत्पन्न हो जाए कि बलात्कार जैसे अपराध को करने का वे साहस न जुटा पाए। देश में बढ़ते लगातार बलात्कार को लेकर आज जबलपुर विधि छात्रों द्वारा आज माननीय संभाग आयुक्त जबलपुर के देश के प्रधानमंत्री को आज हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आज हमने मांग रखी हुई है कि भारतीय दंड संहिता के अंदर बलात्कार की जो सजा है उसको और कठोर बनाया जाए और साथ ही साथ एक निश्चित समय के अंदर दोषियों को कार्रवाई हो उनके ऊपर और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होकर उनको सजा दी जाए।